मुबारक हो, हमें पिछले 7 सालों से नीट जेई में पहला नंबर हासिल करते आ रहा है शहजाद सर का आईआईटियंस लर्न्स। आईआईटियंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सालेहा, हसीबा और काशिप ने 2022 में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हासिल किया है। आईआईटियंस लर्न्स मुबारक की इकलौती ऐसी क्लासेस है जहां से स्टूडेंट का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, जबकि 14 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। आईआईटियंस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल पैनल का यूज किया जाता है। अब तक आईआईटियंस के 20 स्टूडेंट्स ने नीट में 500 प्लस स्कोर किया है। नीट जेई एग्जाम में सफलता पाने के लिए आईआईटियंस लर्न्स के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। आखिरकार कल्याण फाटा के सनराइज ग्लोरियस कॉम्प्लेक्स में संपन्न हुई इफ्तार, 2 वर्षों से बिल्डर और सोसाइटी करते हैं मुस्लिम त्योहारों का विरोध। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। कल्याण फाटा परिसर में सनराइज ग्लोरियस कॉम्प्लेक्स है, कोई राकेश बिल्डर है जिन्होंने इसे बनाया है और पिछले वर्ष यहाँ पर तरावी पढ़ने को लेकर विवाद हुआ था, तरावी पढ़ने से मना किया गया था। जो क्लब हाउस है हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का, वो सभी के लिए होता है, सभी धर्म के जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं वो अपने अपने त्योहार यहाँ मना सकते हैं, मगर बिल्डर ने नियम कुछ ऐसे बनाए, सोसाइटी के कुछ नियम ऐसे हैं कि मुस्लिमों के त्योहार नहीं मनाए जाएंगे। उसी के चलते ये विवाद खड़ा हुआ था पिछले वर्ष तरावी को लेकर। पिछले वर्ष वे पुलिस और कई लोगों द्वारा हस्तक्षेप के बाद ये विवाद सुलझा। इस वर्ष भी जो है तरावी ऊपर के हिस्से में इमारतों में पढ़ने के लिए कहा गया और इफ्तारी का जब आयोजन रखा गया यहाँ पर तो उसमें भी विरोध की भूमिका सामने आई। बहरहाल 9 अप्रैल को होने वाली इफ्तार पार्टी यहाँ पर 10 अप्रैल को हुई, कैसे हुई ये इफ्तार पार्टी, कैसे नजारा इस हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का और इफ्तार पार्टी में शामिल सामाजिक राजनीतिक लोगों समेत स्थानीय इस कॉम्प्लेक्स के पठान जो है पठान साहब, उन्होंने क्या कहा देखिए। गणेश भाई, यहाँ कल्याण फाटा में सनराइज अपार्टमेंट है तो यहाँ पर एक इफ्तारी का आयोजन रखा गया था, काफ़ी तकलीफ़ें भी आई, काफ़ी परमिशन भी लेने पड़ी, तो उसको लेकर आज जो आयोजन रखा गया इफ्तारी का ये पूरा सफल रहा, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं मेरे जो मुस्लिम भाई है, रोजेदार भाई है, सबको रमज़ान महीने की मुबारकबाद देता हूँ। मुझे भी पता है यहाँ पर थोड़ी मुश्किल आई, मेरे दोस्त यार मेरे कॉन्टेक्ट में थे, मेरे से जितना होना था मैंने सपोर्ट किया, मैं भी था इनके साथ में कांटेक्ट में था, लेकिन चलो जो होना है हो गया। लेकिन आज जो इफ्तार पार्टी हुई अच्छे से हुई और मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कि ये जो अपना हिंदू मुस्लिम इफ्तार पार्टी का जो मिसाल है मुमरा में जो चलते आ रहा है, आगे भी ऐसे ही चलेगा। बाकी जिसको जो करना है करे, हम साथ हैं और साथ ही रहेंगे। गणेश भाई, पिछले साल हमने खबर भी चलाई थी तरावी की, तो यहाँ तरावी के लिए सख्त मना कर दिया गया था, इस साल भी ये परमिशन लेनी पड़ रही है, ये कहाँ तक का सही है? हिंदू मुस्लिम का मतलब अलग करने का एक पाबंदी चल रहा है? नहीं, ये बात तो गलत है क्योंकि जब आप बिल्डिंग, पिछले साल हमने खबर भी चलाई थी कि तरावी नहीं पढ़ने दे रही थी आप। हाँ, इस बार नहीं होना चाहिए था, लेकिन जो हो रहा है गलत है। आपने जब परमिशन लेने की तो इफ्तारी पार्टी में कोई जरूरत, इफ्तारी जो रहता है उसमें कोई जरूरत नहीं है जहाँ तक आपको भी पता है। हाँ, ये मामले में मैंने हमारे जो आमदार है डॉक्टर जितेंद्र रावत साहब, इनसे भी बात की, उन्होंने भी सीनियर अपने गावड़े साहब है उनको कॉन्टैक्ट किया था, सब सारे कॉन्टैक्ट में थे। ठीक है, मेरा तो मानना है कि जो बिल्डर है उनको ही समझना चाहिए, अगर जब आपको इतने रूल्स बनाने हैं तो आपने फिर मुस्लिम बुकिंग लेना ही नहीं चाहिए, पहले ही नहीं लेना चाहिए। हाँ, और जब लिए हो तो सबके लिए जो कायदा है समान एक जैसा रखना चाहिए। क्लब हाउस है, जब मुस्लिम अपना जो त्यौहार है वो सेलिब्रेट कर सकता है और जो नॉन मुस्लिम है जैसा मेरे हिंदू भाई भी है, हम हमारा त्यौहार सेलिब्रेट करेंगे, सबके लिए क्लब हाउस है। भाई क्या कहना चाहोगे इफ्तारी पार्टी के लिए, इफ्तारी जो आयोजन रखा गया आज सनराइज टावर में, तो इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? सबसे पहले मैं सनराइज ग्लोरियस के सभी भाइयों को की तरफ रमज़ान का मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये खुशी की बात है जो इतनी बड़ी इफ्तार पार्टी रखा गया, एक हिंदू मुस्लिम जो एक मिसाल होना चाहिए। कई लोग यहाँ पर आए थे जैसे हीरा पाटिल, गणेश मुंडे, करीम खान, आप और आपके बड़े भाई जफर भाई, ऐसे कई लोग थे, कमरूल भाई आप भी आए थे, तो कई लोग इसमें शामिल हुए। जी, सभी लोग शामिल हैं और यहाँ जो है ना एक आपस में लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए, मुस्लिम जो है वो अपना एकता का प्रतीक रहना चाहिए, करना चाहिए और जो अपना नॉन मुस्लिम है वो भी अपना त्यौहार अच्छे से मनाना चाहिए, आपस में वो नहीं होना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए लोगों को।
चाचा क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान पठान। चाचा, इस इफ्तारी पार्टी को लेकर आपका क्या कहना है? जो काफ़ी ज़्यादा अड़चन आई, आप यहाँ के स्थानीय हो, यहीं रहते हो आप, तो कितनी काफ़ी ज़्यादा अड़चने आई, क्यों आई और कि कैसे किस तरीके की आपने इसको अड़चने को पूरा सॉल्व किया? क्या हुआ मतलब, सब में पहले मैं सब आए लोगों का इस्तकबाल करता हूँ, आप भी आए, आपके चैनल का भी इस्तकबाल करता हूँ। ये यहाँ पर हम लोग जब इफ्तार पार्टी का रखे, पहले तराबी का रखे, तराबी के लिए हमको कहा गया कि भाई नीचे पढ़ने के बजाय आप ऊपर नमाज़ पढ़ो, तो बोले ठीक है हम लोग ऊपर नमाज़ पढ़ेंगे, आपका क्या है? तो बोले हमारी रामनवमी का प्रोग्राम है, बोले चलेगा। आपस में हम लोग ने डिस्कस करके नीचे का जो हॉल है रामनवमी के लिए दे दिए और तराबी हम लोग ने ऊपर पढ़े। 15 दिन की हमारी तराबी मुकम्मल हो गई और उसके अभी अभी इस साल, हाँ इस साल की बात, तराबी हमारी माशाल्लाह मुकम्मल हो गई। और इसके बाद में फिर हम लोगों को इफ्तार पार्टी संडे को कल रखने की थी, कितनी 10 तारीख थी शायद, 9 तारीख थी, 9 तारीख को रखने की थी। तो 9 तारीख को हमारा प्रोग्राम वहाँ, बोले भाई हम लोग को भी संकशी का कुछ प्रोग्राम था मुझे कल, बोले संकशी का प्रोग्राम रखने का किए नहीं, तो नहीं कल कुछ किए उन लोगों ने, तो उन लोगों ने बोले हमको संकशी का प्रोग्राम रखना है, तो आप लोग इधर नहीं कर सकते, आप सिर्फ टेरिस पे करो। तो हमने बोला भाई आप ऐसा गलत है, हम लोग नीचे भी ऊपर भी सब पब्लिक ज़्यादा रहेगी, हमारी संडे है, सबको छुट्टी है, तो आप एक काम करो दोनों हमको दे दो। बोले नहीं नहीं आप ये करो, तो पुलिस स्टेशन। कौन बोल रहा था वो, ये चीज़ कौन बोला आपको? ये हमारे बिल्डर ने बोले। क्या नाम है बिल्डर? राकेश जो है ना, हाँ। उनको हमने फ़ोन लगाया भाई ये हमको प्रोग्राम करना है, तो बोले नहीं नहीं आप ऊपर करो करके, नीचे प्रोग्राम मत करो, वो नीचे उन लोग करेंगे या आप लोग ऊपर प्रोग्राम करो। तो बोले ठीक है, तो पुलिस स्टेशन जब गए तो पुलिस ने क्या कहा था, आप एक दिन आगे बढ़ा सकते क्या? बोले चलेगा बढ़ाएंगे, आप बोलेंगे वैसा। तो संडे का प्रोग्राम वो लोग ने करे संकष्टी का, और आज हम लोग का इफ्तार पार्टी का प्रोग्राम। अच्छा, 9 को था, आपने 10 का करे उसको? हम लोग 9 का, 10 था, सबको 9 की दावत दे चुके थे, ऑलरेडी हो गया था प्रोग्राम, लेकिन एक दिन आगे बढ़ाने की वजह से आज का प्रोग्राम। नीचे का हॉल क्या कहना है आपका इस मोहरे मामले को लेकर? जो साहब बोले वो ठीक है। ठीक, जफर भाई आपने पूरा मामला सुन लिया है, तो आपने भी कहीं ना कहीं इनके साथ चल कर ही ये पूरा इफ्तारी का आयोजन रखा गया, तो इस इफ्तारी के आयोजन को लेकर आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं इस मुबारक माह रमज़ान में सभी लोगों को मुबारकबादी पेश करता हूँ। दूसरी चीज़ देखिए, हमारा मुल्क हिंदुस्तान जो है एक सेकुलर मुल्क है। अल्लामा इकबाल ने कहा था, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुसिता हमारा। रही बात ये जो सनराइज़ ग्लोरी है, ऐसा कोई मसला नहीं है, होता है, देखिए एंटी सोशल एलिमेंट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रहते हैं। त्यौहार है, हिंदुओं का भी त्यौहार है, मुसलमानों का भी त्यौहार है, कुछ चीज़ें आ जाती हैं जिनको लेकर के इतना बड़ा मसला नहीं खड़ा करना चाहिए। और यहाँ का जो परमिशन लेना पड़ रहा है, ये कहाँ तक का सही है? देखिए परमिशन लेने की बात क्या होता है, परमिशन कब लिया जाता है? जब कहीं आपस में कोई टकराव हो जाती है तब जाकर के परमिशन के लिए कोई जाता है। कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, यहाँ का पुलिस बंदोबस्त भी बहुत अच्छे से उसको डील किया। आज आप देख रहे हैं यहाँ पर अफ्तारी हुई, नवमी का, रामनवमी का भी प्रोग्राम हुआ, और अभी कुछ लोगों से बात हुई है यहाँ पे, बिल्डिंग के लोग जो हैं उनका क्या कहना है कि ये हो जाए प्रोग्राम, क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ें नहीं होती हैं तो लोगों को भी लगता है कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन जो समझदार हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, उन लोगों का कहना है कि ईद के बाद हम लोग बैठ करके आपस में समझौते के जरिए, क्योंकि देखिए आज हम रह रहे हैं, हमारे बच्चे जो आ रहे हैं उनके लिए ये गाँव, घर, मकान सब कुछ उनके लिए यही है, यही उनका समाज है। तो इस तरह का टकराव ना हो, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जितने भी बिल्डिंग के रहवासी हैं मैं उनसे ये कहूँगा कि आपस में कोई टकराव मत रखिए, आप अपने त्यौहार अपने हिसाब से बताइए। आपको मिसाल दे रहा हूँ, ठाकुर कॉम्प्लेक्स, एमके ठाकुर कॉम्प्लेक्स है, ऐसे ही बात हुआ था, 4 लोगों को हम लोग बैठ करके पुलिस स्टेशन में उस चीज़ को ले लिया, और ऐसा भी हो रहा है कि गणपति भी उसी कंपाउंड में हो रहा है और बकरा ईद का कुर्बानी भी उसी कंपाउंड में हो रहा है। तो मेरा यही कहना है आप लोगों से, जितने भी यहाँ के रहवासी, के आपस में टकराव मत कीजिए। आप आए हैं अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी बिल्डिंग में आकर के, सोसाइटी में रह करके अपने आप को ऊपर उठाने के लिए रख रहे हैं, तो उसमें टकराव मत कीजिए थोड़े थोड़े बात के लिए। धर्म कभी भी नहीं, कोई भी धर्म हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म कभी किसी चीज़ को बंटवारे की तरफ नहीं ले जाता है, जोड़ता है, धर्म का काम है जोड़ना। तो मेरा यही कहना है कि किसी भी तरह से अगर कुछ लोग हैं उनको बैठ करके, जो इतने बुद्धिजीवी हैं, जो समझदार लोग हैं, बैठ करके उस मामले को हल करें। इस तरह कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, होता है, अगर इस तरह का मसला होता आज यहाँ अफ्तारी नहीं होती, रामनवमी का त्यौहार नहीं मनाया जाता, अगर किसी तरह के उपद्रव का मामला। रही बात परमिशन की, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर अगर डिसबैलेंस होता है तो वो पुलिस का काम है, किसी भी तरह से वो उसको मैनेज करने के लिए परमिशन का मुद्दा डाल देता है। करीम भाई क्या कहना चाहोगे आप पूरे इस मामले में? काफ़ी
मैं तो देख रहा हूँ कि काफ़ी पिछले 2-3 सालों से कभी कुर्बानी के ऊपर उपद्रव होता है, कभी रमज़ान के ऊपर उपद्रव होता है। लेकिन एक बात और बोलूँगा कि जो हमारा डाइगर पुलिस स्टेशन है, बहुत ही संयम से और बहुत ही सूझबूझ से इस साल का भी प्रोग्राम, जो रामनवमी का भी प्रोग्राम था हमारे सनराइज ग्लोरी में, और इफ्तार का भी प्रोग्राम जो आपके सामने है, माशाल्लाह ठीक है। अच्छे बुरे हर समाज में भेदभाव ज़्यादा नज़र आता है यहाँ पर, ऐसा ठीक है। देखिए, एक मुमरा से बाहर का इलाका है और इस इलाके में मैंने 30 साल निकाला, तो इस इलाके को मैं बहुत करीब से जानता हूँ। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं था, ठीक है, आज एक नई आबादी है, नई बस्ती, ठीक है, कहीं हमारे में भी कुछ गलत लोग होते हैं, कहीं नॉन मुस्लिम में भी गलत लोग होते हैं, सारे लोग गलत नहीं है। अगर सारे लोग गलत होते तो मैं नहीं समझता कि इस बिल्डिंग में रामनवमी का त्यौहार मनाया जाता और इतने ज़ोर शोर से माशाल्लाह आज रोजे का इफ्तारी का प्रोग्राम, जिसमें गणेश मुंडे साहब हाजिर है, जिसमें सप्पा जी हाजिर है, सरदार जी हाजिर है, जिसमें हमारे हीरा पाटिल साहब हाजिर है। ऐसा नहीं, अगर कहीं दिल में किसी के कुछ काला है पीला होता तो आज गणेश मुंडे आपके बीच नहीं खड़े होते, समझे। तो ये ठीक है, कभी कभी उतार चढ़ाव आता है और इंशाल्लाह आने वाला कल जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे, इंशाल्लाह हम सब में एकता और शांति बने रहेगी। जिस तरीके से मुमरा में आज एकता और शांति, हर त्यौहार आप देखते होंगे मुमरा में कि हर त्यौहार हम सब मिलजुल के मनाते हैं, वैसे एक नई आबादी है, थोड़ा मोड़ा नरम गरम है। लेकिन मेरी सबसे रिक्वेस्ट और गुजारिश है, और मैंने सबसे गुजारिश ऑलरेडी रमजान के पहले भी किया है, माशाल्लाह जितने लोग थे, जितने चाचा बुजुर्ग जवान बूढ़े जितने थे, इन सबसे हमने रिक्वेस्ट किया था, और माशाल्लाह उसी तर्ज पर उसी तरीके पर इन लोगों ने शांति एकदम शांति तरीके से रामनवमी को भी मनाया, और एकदम शांति तरीके से आज आप देख रहे इतना बड़ा अफ्तारी का प्रोग्राम माशाल्लाह आयोजन किया गया।